सिल्वरिंग ऑफ लेंस के अंदर आपने एक लेंस लिया, एक लेंस का एक हिस्सा पेंट कर दिया सिल्वर, तो वो क्या बन गया? मिरर बन गया। तो आधा क्या है? लेंस, आधा क्या है? मिरर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है, जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो बताओ ये कॉम्बिनेशन लेंस की तरह काम करे या ये कॉम्बिनेशन मिरर की तरह काम करे? कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर दो लेंस कंबाइन हो जाएं तो पता ही है लेंस है, दो मिरर कंबाइन हो जाएं तो मिरर है, आधा लेंस आधा मिरर, तो फिर क्या कहें? इक्विवेलेंट क्या बना? मिरर बना, या इक्विवेलेंट क्या बना? लेंस बना। तो आंसर है इक्विवेलेंट मिरर बना, क्योंकि अल्टीमेटली रेज जाएंगी टकरा के वापस आएंगी आएंगी, तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा? इक्विवेलेंट मिरर का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर इसकी फोकल लेंथ लेंस की एफ एल है और मिरर की एफ एम है, जो कि आर बाय टू है। पता ही है मिरर में ये फॉर्मूला चलता है, लेंस में चलता नहीं है। क्वेश्चन सिंपल यही आएगा, आपको कोई भी एक कॉम्बिनेशन दे देगा जिसमें लेंस और पेंट किया होगा राइट साइड पे, वो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देगा ओ, वो कहेगा मुझे बस इमेज बता दो कहाँ बनेगी बस। और आप ये क्वेश्चन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ ना निकाल लें, क्योंकि आपको ये तो मैंने बता दिया कि कॉम्बिनेशन होल सिस्टम विल एक्ट लाइक इक्विवेलेंट मिरर, तो आपको मिरर की क्या चाहिए? फोकल लेंथ, ताकि 1/f इज 1/u + 1/v से आप अपना आंसर निकाल लें। तो सारी गेम है क्या? कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट मिरर। तो इसके अंदर एक काम करना है, रूल वही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, लेंस में जाएंगी एक रिफ्रैक्शन, मिरर में टकराएंगी दो, फिर वापस लेंस से रिफ्रैक्ट होती हुई वापस आएंगी। तीन स्टेजेस हैं, लेंस मिरर लेंस। तो यानी कि यहां पर टोटल पावर क्या होगी कॉम्बिनेशन की? लेंस की पावर, मिरर की पावर, लेंस की पावर। क्लियर है यहां तक? ठीक। या फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी? 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मिरर, लेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं बताने जा रहा हूं, जहां कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान से सुन लें। इस टॉपिक को करने के लिए, सिल्वरिंग के लिए, सिर्फ ओनली सिल्वरिंग के लिए, अगर मैं बोलूं कि अगर फोकल लेंथ या पावर पॉजिटिव है तो वो जो डिवाइस होगा वो कन्वर्जिंग होगा, पॉजिटिव मींस कन्वर्जिंग, और अगर मैं बोलूं नेगेटिव पावर या फोकल लेंथ नेगेटिव है तो डिवाइस क्या होगा? डाइवर्जिंग, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, याद रखना। ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये पावर यानी कि पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग, और ऐसी अगर नेगेटिव तो डाइवर्जिंग। ठीक हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक लेंस और मिरर को, मिरर का कॉम्बिनेशन है, एक लेंस है और एक मिरर है। आप मुझे ये बताओ ये लेंस का नेचर क्या है, कन्वर्जिंग कि डाइवर्जिंग? कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग है। और ये मिरर का नेचर क्या है? कन्वर्जिंग। क्यों कन्वर्जिंग? कैसे? क्योंकि जब रे आती है इसमें, जब रे आती है तो कुछ ऐसे कन्वर्ज होके ऐसे होती है, ऐसे ही है। तो इसमें लेंस भी कन्वर्जिंग है और मिरर भी कन्वर्जिंग है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आपने ऐसे नहीं बोलना कि कन्वेक्स है कनकेव है, नहीं, कन्वर्जिंग नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर है। ठीक है, तो अगर कन्वर्जिंग नेचर है तो मुझे एक बताओ कि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव मानी जाएगी, कन्वर्जिंग है, लेंस कन्वर्जिंग है, लेंस कन्वर्जिंग है, मिरर कन्वर्जिंग है, तीनों पॉजिटिव हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। पॉजिटिव इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो कन्वर्जिंग है। अब याद करो कौन सा ऐसा मिरर है जिसका नेचर कन्वर्जिंग है, कनकेव की कन्वेक्स? कनकेव। तो यानी कि ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है विल एक्ट लाइक कनकेव मिरर। अब अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, यू पता है, वी पता है और फोकल लेंथ पता है, आंसर आएगा। ये पूरा स्टेप जो मैंने बताया सिर्फ ये जानने के लिए है कि ये कनकेव मिरर है कॉम्बिनेशन या कन्वेक्स मिरर है। मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं इस पर कैसे सोचना है। न्यूमेरिकल में गिवन है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो क्या गिवन है? यू इन फ्रंट ऑफ इक्वी कनकेव लेंस, तो कौन सा लेंस है? इक्वी कनकेव लेंस, विच इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ म्यू गिवन है एंड हैविंग फोकल लेंथ 30, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है और म्यू भी गिवन है। सरफेस ऑफ लेंस ऑन द अदर साइड इज सिल्वर्ड, सिल्वर कर दिया, आपको बताना है इमेज कहां बनेगी, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है, आपको फोकल लेंथ
कंकेव लेंस की तो दे दी, मिरर की तो दी नहीं, तो सबसे पहले लगेगा लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इज म्यू माइनस 1, 1/r1 - 1/r2, वहां से निकलेगा r, क्योंकि जो r लेंस का होगा वही r मिरर का भी होगा, सही है। तो जो r लेंस का होगा वही मिरर का होगा, सॉल्व करके मान लो आपके पास r आ गया, r मान लो 30 आ गया, 30 आ गया, 30/2 करके मिरर की फोकल लेंथ पहले निकालनी पड़ेगी 15। तो इस क्वेश्चन में जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ तो गिवन ही है, और साथ में मिरर की आपने रेडियस से निकाल दी, ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब इसका मतलब आपको दोनों फोकल लेंथ पता है। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसका नेचर क्या है, मिरर तो है ही है, कनकेव की कन्वेक्स, रूल क्या बताया था, लेंस से शुरू करो, लेंस का नेचर कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, कनकेव है, डाइवर्जिंग है। मिरर का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है, मिरर का नेचर भी डाइवर्जिंग है, क्योंकि जब मिरर इस टाइप का होता है सबको पता है रे आती है तो टकरा के वापस ऐसे जाती है, तो लेंस का नेचर डाइवर्जिंग है, मिरर का नेचर डाइवर्जिंग है, मानते हो ये चीज। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब लगाएंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्योंकि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, क्लियर है। तो आपने वैल्यूज को पुट किया विद नेगेटिव साइन और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई -7.5। ये स्टेप क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो सर, मिरर डाइवर्जिंग क्यों था, मिरर डाइवर्जिंग क्यों था, क्यों था? ये देखो, अगर मिरर की शेप ऐसी होती है, ये देखो ऐसी शेप है, ये देखो बनाता हूं, ये देखो, तो रे जब आती है ऐसे डाइवर्ज नहीं होती, ये शेप कन्वर्जिंग होता है ना, ठीक है, ठीक है, यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से, ये ट्रिक है असली। मिरर अब फोकल लेंथ ओवरऑल क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। बोलो ऐसा कौन सा मिरर है जो डाइवर्जिंग होता है, कन्वेक्स की कनकेव, कन्वेक्स। चलो आपको ये पूरी कहानी से सिर्फ यही पता लगा कि आपका मिरर कन्वेक्स है। अब बोलो कन्वेक्स की फोकल लेंथ मिरर की पॉजिटिव की नेगेटिव, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव। तो जब आप न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो आप फोकल लेंथ माइनस नहीं यूज करेंगे, यहां पर प्लस यूज करेंगे, साइन चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां लोग लेके आते हैं किताब गलत कर रही है, वो गलत नहीं कर रही। ये नेगेटिव साइन मतलब कि यहां तक लाइन खींच रहा हूं मैं, ये लाइन खींच दी, ऊपर की थ्योरी सिर्फ ये बता रही है कि आपका मिरर है कौन सा, कन्वेक्स की कनकेव, क्योंकि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव है तो यानी कि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग में इसका मतलब क्या है, कन्वेक्स, कन्वेक्स। अब आप अपने पुराने ऑप्टिक्स पे आ जाओ, मिरर के पुराना ऑप्टिक्स क्या कहता है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये माइनस को छोड़ दो, अब सोचो नया न्यूमेरिकल है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यू नेगेटिव गिवन है, वी निकाल लेना आंसर, पॉइंट समझ में आया। तो ऊपर की थ्योरी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सिर्फ ये बताती है इन द एंड कि आपका मिरर कौन सा है, कन्वेक्स या कनकेव, बस इतना पता करने के लिए काम है। उसके बाद ये साइन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया कन्वेक्स है फिर 7.5, अगर ये पता लग जाता है ये कनकेव है फिर -7.5। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?